नमस्कार, इस समय मेरे साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं। और प्रदीप जी और शिव पर चर्चा ना हो ये संभव ही नहीं है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। पंडित जी, शिव जी को लेके लोगों के मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, तरह तरह की भ्रांतियाँ भी उत्पन्न होती रहती हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि शिव पूजन कितना आवश्यक है। देखिए, ये तो जनमानस है, जो शिव को नहीं जानता वही तो प्रश्न खड़े करेगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, ऐसा नहीं कि शंकर को जो मृत्यु लोक पर जन्मा है वो शिव के ही कृपा से जन्मा, शिव के कृपा के बिना उसका जन्म ही नहीं हुआ। शिव पूजन केवल आज के युग की बात नहीं है कि आज हम कर रहे हैं कलयुग में शंकर की आराधना, ये तो सतयुग से त्रेता द्वापर फिर कलयुग तक आई है। और ऐसा केवल एक ही युग नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितने युग हुए हैं उन सारे युग में सारे देवता हों, चाहे असुर हों, चाहे गंधर्व हों, चाहे अप्सरा हों, चाहे मानव हों, सबने शिव की आराधना करी। और शिव आराधना के बिना कुछ मिल भी नहीं सकता, शंकर की आराधना के बिना कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो पूजन तो शिव की इतनी जरूरी है कि आप अगर संसार सागर में आए हो, आप इस मनुष्य देह अगर आपको प्राप्त हुई है और आपने शिव की आराधना नहीं करी तो आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ है, बेकार है। कई बार ये भी कहा जाता है कि आप तमाम देवी देवताओं को पूज लें और छोटी सी शिव आराधना कर लें तो आपको सारी जो सृष्टि है उसके सुख मिलना प्राप्त हो जाते हैं। ये तो है ना कि भाई अगर मेरे राम जी शंकर की आराधना कर रहे हैं, जिस अवध से राम जी मेरे राघव जी लंका तक जाते हैं, उस पूरे रामपथ गमन में मेरे राम जी महाराज शंकर की प्रत्येक शिवलिंग की स्थापना करते हुए जाते हैं। जब हम रामपथ गमन की ओर जाते हैं तो शिव की आराधना, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां शंकर का शिवलिंग राम जी ने स्थापित नहीं किया। भगवान कृष्ण अगर अवतार लेकर आते हैं तो उन्होंने शिव की आराधना करी है। तो 33 कोटि देवताओं के पूजन का पुण्य फल भी शिव को केवल एक लोटा जल या एक बूंद जल चढ़ाने से भी प्राप्त हो जाता है। शंकर भगवान के मस्तक पर गंगा विराजमान है, उस गंगा का मात्र स्मरण, मात्र नाम लेना ही शंकर की आराधना है, शिव की पूजन। एक चीज और कई बार सवाल पैदा होता है कि शिव को जो आम लोग हैं, देवता हैं, अप्सराएं हैं, सब प्रसन्न कर लेते हैं और जो राक्षस हैं वे भी प्रसन्न कर लेते हैं। बाबा तो भोलेनाथ हैं, सरल हैं, सहज हैं, और सबसे मुख्य है कि उनकी सरलता ही तो है, जो कि चाहे वो गंधर्व हों, चाहे असुर हों, राक्षस हों, देव हों, मनुष्य हों, चाहे एक साधारण सा भील, जो कि शिवरात्रि के समय पर अपन स्मरण करते हैं कि वृक्ष पर चढ़ गया बेलपत्री के और मृग को मारने के लिए, और साथ में वो थोड़ा जल साथ में लेकर गया है, वृक्ष हिल रहा है, पत्ती नीचे गिर रही है और पानी भी उस पर गिर रहा है, तो नीचे शिवलिंग था छोटा सा और उस भील को नहीं मालूम है कि यहाँ शिवलिंग है, परंतु उसकी आराधना रात भर हुई और शिव कृपा कर दिए और उसका कल्याण कर दिए। तो ये तो मेरा भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, एकदम सहज सरल है, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला है, चाहे कोई किसी भी भाव से भज ले मेरे शंकर को। कड़प असुर, कड़प राक्षस, कड़प डाकू, जो कि पाँव में जूते पहनकर शिवालय में जाता है, मुख में पानी भरकर शिवालय में जाता है, मांस हाथ में लेकर शिवालय में जाता है, तो भी तो मेरा शिव कृपा करता है। उसके भजन में वो बल बढ़ गया था, वो केवल दिखावा करना नहीं जानता था, उसके भजन में बल बढ़ गया था, तो शिव उसके सामने आ गए। बस शिव इतने भोले हैं कि हम जिस युग में जी रहे हैं यहाँ लोग शिव के ऊपर ही टीका टिप्पणियाँ करने लगते हैं। देखिए, ये तो जनमानस है, और हमने अभी पहले भी कहा कि जो शंकर को नहीं समझता वही प्रश्न खड़े करता है, जो शिव को समझ गया, जो शंकर को जान गया। टीका टिप्पणी करने वाले तो किसी पर भी टीका टिप्पणी कर सकते हैं, उन्होंने शंकर को जाना कहाँ है। एक लोग कहने वाले कुछ भी कह देते हैं कि शिव तो ये है, शिव तो वो है, पर जो समझेगा शंकर को तो वो टीका टिप्पणी कभी नहीं कर पाएगा। मूलतः हमने अक्सर देखा है कि शिवालय में जाने वाला जो व्यक्ति होता है, जो शंकर के मंदिर में जाता है, अगर वो दिखावे से गया है ना तो शिव उसको कभी नहीं मिला, पर जो दिखावे से हटकर केवल विश्वास के साथ, तुलसीदास बाबा ने अपनी रामचरितमानस में शिव को विश्वास कहा, और शंकर भगवान जिस पर बैठे हैं वो धर्म है, नंदी है, तो धर्म को विश्वास के साथ में अगर आपको प्राप्त करना है तो शंकर के मंदिर में आपको भी विश्वास लेकर ही उस मंदिर तक पहुंचना पड़ेगा, तो शिव आपका कल्याण जरूर करेगा, निश्चित। हम इस युग की बात कर रहे हैं,
यहाँ कह दिया जाता है कि शिव जो हैं वो तो नशे के देवता हैं, चालू भाषा में जो लोग कहते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनको भांग गांजा ये सब प्रिय हैं। ना ना, देखिए जो भी चीज़ें हैं मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में, वो तो जनमानस के कल्याण के लिए। आप अपने घर में, लोग कहते हैं कि शंकर जी गांजे के देवता हैं, शंकर भगवान भांग के देवता हैं, शंकर भगवान नशे के देवता हैं, ना। आप अपने घर के अंदर एक चूहा मार दवाई लेकर आते हो, वो चूहा मार दवाई के ऊपर लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखना। जिस समय पर मंथन किया गया उस मंथन में सर्वप्रथम विष निकला। उस विष को भगवान नारायण को भी तो मालूम है कि जब चूहा मार दवाई पर लिखा है कि बच्चों के हाथ से ऊंची रखना, तो नारायण को भी मालूम था कि विष निकला है तो ऊंचा रखना है, तो उन्होंने उस विष को कैलाश पर रखा, उस विष को ले जाकर कैलाश पर रखा। पर बच्चों की आदत रहती है जो अलमारी के ऊपर रखा हुआ है ना, उसको टटोलते हैं। हम जैसे साधारण मनुष्य भी ऊपर कैलाश तक गए और देखकर आए कि भाई क्या है शिव जी के पास में, तो वहां जो विष शिव जी के पास गया था, जो पिया था, उसकी कुछ बूंदे जमीन पर गिर गई थी, जिससे भांगतुर उत्पन्न हो गया था। जो शंकर जी के आजू बाजू में लगा हुआ था, जब हवा आती थी तो विष की तपन को समाप्त करती थी। आज भी मेरे कालाधिपति महाकाल को भांग का श्रृंगार होता है। भोले बाबा भांग नहीं पीते, भांग का श्रृंगार होता है, क्योंकि उनके कंठ पर जो विष लगा हुआ है वो विष की तपन कम हो जाए। मेरे देवाधिदेव महादेव अपने पास में भांग को रखते हैं, उनका कारण केवल इतना है कि इसको मेरे पास रहने दो, तुम मत पियो, नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मेरे पास रखा है उसको रखे रहने दो, मैं पीता नहीं हूं, क्योंकि उसके पास में राम नाम का जो नशा है ना, वो नशा प्रबल है, भक्ति का जो नशा होता है। आज जैसे संपूर्ण विश्व में संपूर्ण सनातनियों को जो नशा छाया है ना, वो राम नाम का छाया है जो देखने को मिलता है, तो राम का नशा एक अपने आप में एक नशा है। आपने जो बात कही यही नीलकंठ हो जाना है। हाँ, क्योंकि जो विष पी गए, जो संसार में आने के बाद में ताप को जो पी जाता है, विष को जो पी गया, वही तो जनमानस में कुछ अच्छा कर जाता है। आज आपको कोई गाली दे रहा है, वो अपशब्द कह रहा है, आप बहुत साधारण है, आपको अगर कोई शब्द कह रहा है, गाली दे रहा है, आप उसकी गाली को पीते चले गए। मेरे भगवान कृष्ण को स्वयं उनके बुआ के बेटे शिशुपाल ने 100 गालियां दी और मेरे ठाकुर जी बैठकर मुस्कुराते रहे, दाऊ जी की ओर देखते रहे। दाऊ दादा ने पूछ लिया, तुम मुस्कुरा रहे हो, गाली दे रहा है? भगवान कह रहे हैं कि इतनी सभा में इसने मुझे गाली दी, अर्थात इतनी सभा में मुझे टारगेट किया गया, तो लोगों की दृष्टि में कृष्ण दिख तो रहा है। तो अपशब्द जब किए जाते हैं, भगवान शंकर पर जब आक्षेप किया जाता है, तो शिव को लोग समझने का प्रयास करते हैं, आखिर ऐसा है क्यों? और जो जान गया, तब उसके मन में आ गया कि शंकर भगवान ने दुनिया के ताप को हरने के लिए विष पिया और स्वयं के कंठ पर रखा, और वो कंठ पर रखने वाले केवल अकेले शिव नहीं थे, क्योंकि शंकर का जो शरीर है, शिव शक्ति का शरीर है, उसके अंदर स्वयं शक्ति ने आकर उस कंठ पर धरे हुए विष को झेल लिया और वो नीचे उतरने नहीं दिया। और यही जनमानस के अंदर होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में कितना भी विष आ जाए, उसको अंदर मत उतारो, उसको कंठ तक रखो। ना तो हमें किसी से अपशब्द कहना है और ना अपने भीतर बैरभाव रखना है। अगर आप अपने भीतर बैरभाव रखोगे ना, और या किसी को अपशब्द कह भी दोगे, तो आप श्रेष्ठ नहीं बन पाओगे। पर इसको ना तो हमें उगलना है ना हमें निगलना है, उसको अंदर रखिए ना हमें कभी प्रकट करना है। शिव जैसा नीलकंठ बनने का प्रयास करिए। मैंने शिव नीलकंठ और फिर विषधर हो जाना। विषधर से मतलब यह है कि विषधर, शंकर भगवान को लोग कह देते हैं विषधर है, पर उसको समझने वाला विषय यह है कि शिव जी के गले में जो सर्प पड़ा हुआ है वो तो नारायण का स्वरूप है। आज भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान अपने गले में जो विष धारण कर रखे हैं, या भगवान अपने गले में विषधर धारण कर रखे हैं, सर्प को धारण कर रखे हैं, वो सर्प किसी को डसने के लिए नहीं है, वो सर्प किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं है, वो सर्प केवल शिव ने अपने पास इसलिए रखा है कि मेरे नजदीक में जितने भी अन्य जीव हैं, जिनसे लोग नफरत करते हैं, जिनको लोग मार्ग से विचित कर देते हैं, उनको मैंने अपने पास में रखा है। वो किसी को डराने के लिए भी नहीं है, वो किसी को भय देने के लिए भी नहीं, ये जनमानस के कल्याण के लिए रखा। एक बड़ी धारणा है शिव को लेके कि ये तो भूत प्रेतों के देवता है। ना देखिए, मेरा देवाधिदेव महादेव भूत प्रेतों का देवता, ये सबका है ना, वो तो पितरों का देवता है। जब जिस समय पर आर्यमा स्वामी पितरों के देवता, आर्यमा जी जब कौवे पर बैठकर जाते हैं तो कैलाश पर पहुंचते हैं, और आर्यमा स्वामी जब पितरों के देवता कैलाश पर जाते हैं, तो शंकर जी से कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में इतने जीव हैं, इन जीवों का कल्याण सहजता में नहीं हो सकता।
शंकर जी मुस्कुरा कर कहते हैं आर्यमा से कि आप जिस कौवे पर बैठ कर आए हो और आप जिस कौवे पर बैठ कर आए हो मेरे धाम के पास में से निकल कर जा रहे हो, उसी तरह संपूर्ण विश्व का जीव जब किसी पात्र को लेकर या जल लेकर मेरे मार्ग पर आएगा या मेरे रास्ते से निकल कर जाएगा या मेरे भवन के सामने से भी निकल कर जाएगा तो उसके पितरों की मुक्ति में स्वयं कर दूंगा। केवल शंकर के मंदिर में जाने से मुक्ति नहीं है, शंकर के सामने से निकल जाने पर भी मुक्ति है या शिव के सम्मुख से शिखर का दर्शन कर निकल जाने में भी मुक्ति है। शिव के मंदिर में नहीं जा सकते तो शिव नाम लेने में भी मुक्ति है, शिव नाम भी नहीं ले सकते तो किसी जनमानस के भीतर विराजमान शंकर को केवल देखकर प्रणाम कर मुस्कुराकर जाने में भी मुक्ति है, वो शिव है। शव और शिव ये दोनों को बड़ा जोड़ दिया जाता है। शव और शिव हम तो कहते हैं कि जब तक मनुष्य के शरीर में श्वास है मतलब चेतना है, श्वास है मतलब शिव है, शिव श्वास का स्वरूप है। तो शिव जब तक शरीर में है तब तक वो शरीर है और जिस दिन शिव निकल गया तब वो शव बन गया और फिर वो शव बन गया मतलब शंकर के धाम उसको लेकर जाना ही है, शमशान तक लेकर जाना है। दो अग्नि होती है, एक शमशान की अग्नि एक चेतना की अग्नि, और संसार का व्यक्ति इन दोनों अग्नि के करीब में जाता है पर मूल चीज यह है कि वो चेतना की अग्नि तक पहुंचते पहुंचते वापिस लौट आता है और आखिरी में शमशान की अग्नि तक पहुंच जाता है। पर जो मनुष्य शिव की आराधना करने वाला होता है वो चेतना की अग्नि तक भी जाता है और आखिरी में तो उसे शमशान की अग्नि में जाना ही है। तो जिसने चेतना की अग्नि में तप लिया, जिसने चेतना की अग्नि में मंदिर गए हो देवालय, लोग कहते हैं हमने व्रत करा हमने चेतना की अग्नि में तप लिया, ना, जिस दिन आपके भीतर शंकर का निवास हो जाए, भीतर शंकर का निवास मतलब है सब में शिव का दर्शन हो जाए, समझ लेना उस दिन तुम्हारी चेतना की अग्नि प्रकट हो गई है और आप चेतना की अग्नि में तप लिए हो। और अगर आप चेतना की अग्नि में तप लिए हो तो स्वयं जो शमशान में रहने वाला शिव है वो आपको दर्शन देगा और एक दिन अपने में ही समाहित कर लेगा, अर्थात शमशान की अग्नि में जीव चला जाएगा। आपकी पंडित जी जो बातें हैं वो कई बार भ्रमित भी कर देती हैं और मुकाम तक भी ले जाती हैं। शिव देवता कहाँ के हैं, शिव का वास कहाँ माने, शमशान का वासी माने उनको, कैलाश का वासी माने? देखिए वो लोग कहते हैं कि शिव शमशान के वासी हैं कि कैलाश के वासी हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में जहाँ निवास करते हैं वहाँ निवास करते हैं, ऐसा नहीं है। आप जहाँ दिल से पुकारोगे शिव वहीं हैं, भीतर का मन कैलाश है। हम अगर कहीं शीतल जगह में कैलाश पर जाकर बैठ जाएं और शंकर की आराधना करें और सोचे शिव मिल जाए, ना, अपने दिल को आपको कैलाश बनाना पड़ेगा, आपके दिल को शीतल बनाना पड़ेगा, आपके हृदय को नम्र बनाना पड़ेगा, तभी तो शिव प्रवेश करेगा। शंकर को प्रवेश करने के लिए आपको कैलाश नहीं जाना है, शंकर को पाने के लिए आपको केदार नहीं जाना है, शंकर को पाने के लिए आपको अमरनाथ नहीं जाना है, शंकर को पाने के लिए आपके अंदर विश्वास की अमरता चाहिए, अमरनाथ बन जाएगा। आपके भीतर स्वयं शंकर को पाने के लिए शीतलता चाहिए, आप केदार और महाकाल स्वयं प्राप्त हो जाएंगे, स्वयं कैलाश अधिपति प्राप्त हो जाएंगे। तो भीतर के भाव से शिव प्रकट होता है। लोग कहते हैं शमशान में वो शमशान में, लोग कहते हैं कंकर में शंकर वो कंकर में शंकर, लोग कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में शंकर, वो हर जगह आप में मुझ में सब में शिव समाया होगा, बस उसके पहचान के नेत्र चाहिए। एक सवाल और उठता है कि शिव घोर हैं शिव अघोर हैं? देखिए शंकर भगवान को लोग अघोरी कहते हैं, घोर का मतलब है क्रोध से, घोर का मतलब है कि भयंकर से, पर अघोर का मतलब है भयंकर नहीं नम्र, अघोर का मतलब है कि जिसने करुणा करी है, निर्मल निर्मलता। अब दुनिया के लोग उसको अघोरी कहते हैं, वो कहते हैं कि अघोरी है भस्म धारण करने वाले हैं या बहुत सारा अपने तन पर भस्म रमाने वाले हैं, बहुत कुछ गंदगी अपने शरीर पर धारण कर लेते हैं, तो ये दुनिया लोग समझते नहीं है। अघोर और घोर में अंतर है। अघोरी का मतलब ये होता है कि जिसने पूर्ण चेतना प्राप्त कर, अघोरी का मतलब है जो स्वयं भगवान की भक्ति में इतना रम गया कि उसे कोई मतलब नहीं संसार सागर से। मेरे शंकर को अघोरी कहना अर्थात दुनिया के लोग जान नहीं पाते इसलिए उसको अघोरी कहते हैं, नहीं तो मेरा शंकर तो वो है जो करुणा की मूर्ति है, साधना की मूर्ति है, तप की मूर्ति है, वात्सल्यता की मूर्ति है, निर्मलता की मूर्ति है और एक आनंद देने की मूर्ति है, वो शिव है। घोर क्रोध है, मेरा शंकर अघोर क्रोध से दूर है। पूरी शिव पुराण में कहीं पर भी शंकर को भयंकर नहीं बताया, पूरे 24,000 श्लोक में शिव महापुराण के शंकर भगवान को बहुत क्रोधीला नहीं बताया, बहुत भयंकर नहीं बताया,
वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में मेरे शंकर भगवान को एकदम अघोरी, एकदम निर्मल, एकदम वात्सल्य पूर्ण बताया है कि हर जीव का कल्याण करने वाला है, चाहे एक साधारण सी बेलपत्र चढ़ाने वाला जीव हो, चाहे वो जल चढ़ाने वाला जीव। शिव को तो महायोगी भी कहते हैं। योगी तो है। योग साधना का मतलब क्या है कि लोग कहते हैं हम बहुत ऊंचे पर्वत पर जाकर बैठ गए तो हम योगी बन गए, हमने योग कर लिया तो योगी बन गए, हम साधना में डूब गए तो साधक बन गए। मेरे शंकर भगवान तो गृहस्थी हैं, मेरे शिव जी तो पूर्ण गृहस्थ में निवास करते हैं, और पूर्ण गृहस्थ में निवास करने के साथ में जरा विचार करिएगा कि उसको योगी का पद दिया गया, उसका कारण क्या था कि पूर्ण गृहस्थ में रहने के बाद, अपने परिवार में रहने के बाद एक व्यक्ति का योग करना भी कठिन है। परिवार में तो परिवार के लोगों के बीच में योग हो सकता है क्या? पर मेरे शंकर भगवान संपूर्ण परिवार के बीच में रह रहे हैं, और संपूर्ण परिवार हमारे तो, हम अपने दादा पर, हम इतने वृद्ध नहीं हुए कि अपने परपोतों को देख ले। शिव जी अपने परपोते शुभलाभ को देखते हैं, फिर अपने अमोद प्रमोद को देखते हैं। तो ये तो एक उन्हें अपने पूरे परिवार में रहकर जो उन्होंने साधना करी उसी को योग कहा गया। ये मान सकते हैं कि जो योग है वो शिव से ही शुरू होता है, हालांकि सृष्टि ही शिव से शुरू होती है। सब कुछ देने वाले शिव ही तो है, चाहे वो संसार की, क्यों ना योग शिव से ना चालू हुआ है। अगर हम श्रीशैलम का दर्शन करने जाते हैं तो माता सरस्वती को भी भगवान वीणा प्रदान करते हैं, माता सरस्वती को भी गायन प्रदान करते हैं, और योग स्वयं, अगर आप और हम स्मरण करें, स्वयं नंदीश्वर महाराज का स्मरण करें, शंकर भगवान के एक नंदी स्वरूप का स्मरण करें, तो ये शंकर का ही तो दिया हुआ योग साधना है। सब तप साधना शिव की ही दी, इसके सिवा किसी की नहीं। एक एक स्वरूप की भी उनकी बड़ी चर्चा होती है, नटराज। जरूरी है, क्योंकि माता पार्वती जी जब शिव को अपना बनाना चाहती हैं और शंकर भगवान को वो अपना बनाने के लिए जब आगे बढ़ती हैं, तो शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए उस नटराज के स्वरूप को ब्रह्मा जी दर्शन कर लेते हैं, और ब्रह्मा जी जब दर्शन करते हैं तो सृष्टि का निर्माण जिस समय होता है, सृष्टि के निर्माण के समय पर ब्रह्माणी का जब प्रागट्य होता है सरस्वती देवी का, तो माता सरस्वती को अभिमान प्रकट हो जाता है, और अभिमान प्रकट हुआ तो वो ब्रह्मा जी को ध्यान नहीं दे पाती। तो ब्रह्मा जी ने कहा आपको किस बात का अभिमान है? तो मेरे ज्ञान का अभिमान है, मेरी स्वर का अभिमान है, मुझे संगीत का अभिमान है। ब्रह्मा जी ने एक भरी सभा में माता सरस्वती जी को बिठाया, जिसमें भगवान शंकर के गण तुमरुका जी भी आए हुए थे, जिनका घोड़े का मुंह लगा है, हाथ में वीणा रखी है, करताल रखा है, और वो तुमरुका जी अपनी गायन में लगे हैं, देवऋषि नारद भी उनके आगे चुप हैं, पर ब्रह्माणी की आंख में आंसू भर आया, इतना ज्ञान इसको कहां से आ गया जो मेरे सम्मुख में इतना बड़ा ज्ञान दे रहा है। तब मुस्कुराकर ब्रह्मा जी ने शिव जी की ओर देखा, तो ब्रह्माणी स्वयं शंकर की आराधना करने के लिए जाती है कि मुझे भी स्वर प्रदान करो। श्री शैलम के पर्वत पर बाबा नटराज बनकर ब्रह्माणी को ज्ञान देते हैं। तो शंकर तो नटराज का वो स्वरूप है जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, आज भी संगीत को, स्वर को और ज्ञान को देने वाले। मतलब संगीत और नृत्य के देवता भी हम उन्हें मान सकते हैं। शिव बिल्कुल संगीत के भी देवता है, नृत्य के भी देवता है, और ज्ञान के भी देवता है, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं। जो समझ गया संसार का मानव, जिस दिन महादेव को समझ जाता है उस दिन उसको कोई कमी नहीं रहती, उसके पास में सारी कलाएं विराजमान हो जाती है। अच्छा, शिव को भी जब पूछते हैं तो उनके अलग अलग स्वरूप हैं, कोई उनको शिव मान के पूछता है, कोई शंकर कहता है, कोई भोले कहता है, कोई महादेव कहता है। देखिए, जैसे घर में बच्चा रहता है ना, उसको हम जिस भाव से बुलाते हैं उस भाव से बुलाया जाता है। दो तीन लड़के थे और वो तीनों बालकों में द्वेष हो गया जंगल में, एक राम को मानता है, एक कृष्ण को मानता है, एक शिव को मानता है, तीनों में द्वेष। वो कहता है राम बड़ा है, वो कहता है कृष्ण बड़ा है, वो कहता है शिव बड़ा है। पर एक संत बैठे हुए तो उन्होंने कहा सब बराबर हैं, इनमें कोई भेद नहीं, पर वो बच्चे मानने को तैयार है। थोड़ी आगे गए, वृक्ष के नीचे बैठ गए, तो कहा मेरी राम जी से इतनी अच्छी पहचान है, मैं बुलाऊंगा और राम जी माना पड़ेगा, मैंने उनकी बहुत आराधना करी है, मैंने उनकी रोज आरती उतारी है, मैंने उनको भोग लगाया। एक कथा मैंने कृष्ण की आराधना करी, कृष्ण को आना पड़ेगा। एक कथा मैंने शिव की आराधना करी, शिव को आना पड़ेगा। तीनों में बहस छिड़ गई, आराधना बुलाया राम जी को, राम जी नहीं आया। दूसरे ने कृष्ण को बुलाया, कृष्ण नहीं आया। तीसरा बैठा हुआ था जो शंकर का भगत था, ना तो उसने शंकर भगवान को लड्डू का भोग लगाया था, ना कोई आभूषण चढ़ाया था, वो तो रोज बेलपत्र और जल चढ़ाता था और शिव जी के मंदिर में 3 बार थाली बजा देता था। उसने आवाज लगाया, तुरंत चिल्लाकर भोले,
और जो भोले बोला वैसे शंकर भगवान प्रकट हो गए। शिव जी प्रकट हुए, थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, थोड़ी देर बाद कृष्ण जी आ गए। और जैसे राम और कृष्ण आए तो जो बालक था उसने राम जी से कहा आपको आने में इतनी देरी लग गई, शंकर जी पहले आ गए। राम जी बोले तूने मुझे बुलाया था, कहा था राजा राम आइए, राजा राम आइए, जल्दी से राजा राम आइए। अब राजा को आने में समय लगता है, पूरी प्रजा को लेकर चलेगा, सैनिक को लेकर चलेगा, रथ हाथी घोड़े लेकर चलेगा, तब तो राजा पहुंचेगा। कृष्णा भगवान आए तो उसने कहा प्रभु हमने इतना चिल्लाया, तो भगवान कहते हैं अगर तू मुझे बुलाता तो अच्छे से बुलाता, तूने कहा द्वारिका के राजा पधारिए, वृंदावन के राजा पधारिए, हे ब्रजराज पधारिए, तो राजा जब आएगा तो हाथी घोड़े पालकी के साथ आएगा। और ये शंकर भगवान तो ऐसे तप साधना में, जैसे ही उसने बुलाया भोले तो शंकर भगवान को आना पड़ा तुरंत। उन्होंने नहीं कहा कि भोला राजा आओ या राजा भोले आओ, उन्होंने तो बोला भोले पधारो, शंकर जी आ गए। तो भोले का भोला है, शिव सबका है, सरल है, जितनी सहजता से आप रिझाओगे उतनी जल्दी शंकर आपके करीब में आएगा। आपने बाबा तुलसीदास जी की भी चर्चा की, रामायण की भी बात की, आपने राम की भी बात की। दो स्तुतियाँ हैं, दो प्रार्थनाएँ हैं, एक नमामि ईशान निर्वाण रूपम, एक भाव शिव को लेके, और दूसरी जटाटवीट। आप देखें कि दोनों संस्कृत में हैं, दोनों के भाव लगभग एक ही हैं, पूजा आराधना। देखिए दोनों स्तुतियाँ, एक में शंकर भगवान को रिझाया जाना, एक में शंकर भगवान को स्तुतियां दोनों हैं, पर जो नमामि शबीशान उसके अंतर्गत हम शंकर भगवान को रिझाकर अपने दुखड़े बता रहे हैं कि हमारा दुखड़ा है। दूसरे में शंकर भगवान को प्रसन्न किया जा रहा है, रिझाना और प्रसन्न करने में अंतर है। बेटा आता है ना आपके पास में आकर बैठेगा, प्रेम से थोड़ी बहुत बातचीत करेगा, अच्छे से बैठेगा, स्नेह करेगा, तो आप रिझ जाओगे। और बेटे ने आकर कहा पापा मुझे 500 रुपये देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए पापा 500 रुपये दे देंगे, पर रिझे नहीं है। मेरे शंकर भगवान को एक तरह से प्रसन्न करना है, तो तुलसी बाबा ने जो स्तुति नमामि शमीशान लिखा है उसके अंतर्गत भगवान शंकर को रिझाया है। एक साधारण से व्यक्ति पर आप करुणा करिए, ये व्यक्ति साधारण है इस पर करुणा करिए। बार बार महाकाल बाबा को प्रार्थना करी गई, वो रिझ गए, करुणा कर दी। लंकाधिपति रावण भगवान को प्रसन्न कर रहा, लंकाधिपति रावण भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है कि ये प्रसन्न होंगे तो मुझे बहुत कुछ दे देंगे। रिझाने में मांगने की परिभाषा नहीं रहती, रिझ जाता है ना व्यक्ति तो केवल दिल नहीं देता, सब कुछ दे देता है। तो वो तो रिझने, हम कई बार अपने अपने प्रवचन में कह देते हैं कि एक लड़की का नाम अपने हाथ पे लड़का लिख लेता है और कहता है देख मैं तुझे इतना चाहता हूं, मैंने तेरा अपने हाथ पर नाम लिखा है, अपने दिल पर नाम लिखा है। हम कहते हैं तूने जब दिल पर नाम लिख दिया, हाथ पर नाम लिख दिया, तो प्रॉपर्टी पर लिख दे। बहुत कठिन है ना, हाथ पर नाम लिखना सरल है, दिल पर नाम लिखना सरल है, पर उस लड़की का प्रॉपर्टी पर नाम लिखना कठिन है। उसी तरह देवाधिदेव महादेव को रिझाने का एक प्रसंग अलग है और उनको प्रकट करने का प्रसंग अलग। वैसे सामान्य तौर पर जब नमामि ईशान जैसी प्रार्थनाएं वो लोगों को करना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं करना चाहिए, रामचरितमानस की बहुत सुंदर स्तुति है, उस स्तुति का स्मरण संपूर्ण ब्रह्मांडवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को करना चाहिए। और हम तो कहेंगे अगर सहज भाव में आप शंकर को जिस भाव में रिझाना चाहें, केवल स्तुतियों से नहीं, आपके मन में अगर शंकर के प्रति भाव प्रकट होता है, जैसे एक मेरे हृदय में एक प्रसंग पूर्व का आया हुआ है, बिहार का जल, सुल्तानपुर का जल बाबा वैद्यनाथ जी को चढ़ता है, झारखंड में बिहार से जल जाता है झारखंड को चढ़ता है, क्योंकि वैद्यनाथ जी झारखंड में बीच मार्ग में गांव पड़ता है, उस गांव का स्मरण को नहीं आ रहा। वहां एक सहसा भक्त रहता था जिसकी दुकान थी, और वो भक्त दुकान में निवास कर रहा है, दुकान में रह रहा है, उसका काम धंधा चल रहा है, सब कुछ अच्छे से उसका काम धंधा वहां पर चालू है, परंतु धीरे धीरे उसका परिवार पूरा समाप्त होता चले गए, वो अकेला रह गया। उसने विचार करा मैं करूँ क्या, तब उसने स्मरण किया कि मेरी जितनी प्रॉपर्टी और मेरा जितना घर है और दुकान है, मैं सब शंकर को दे देता हूँ। उसने एक शिवालय था नजदीक में, उसमें शंकर भगवान को पूरा की पूरा प्रदान कर दिया। जब प्रदान कर दिया तो वहां के जो पुजारी जी थे, पंडित जी थे, उन्होंने कहा तुम कहाँ जाओगे, तो कि बस यहीं पर दो रोटी खा लूंगा, जो बाबा देगा भोलेनाथ उसका प्रसाद पा लूंगा। अब वो तो वहां रहने लगा, समय ऐसा आ गया कि वो बीमार पड़ गया, ना तो पुजारी जी उसकी सेवा कर रहे हैं, ना वहां रहने वाला कोई व्यक्ति उसकी सेवा कर रहा है। तब उसने जो प्रॉपर्टी दी, उसने जो दिया है वो देवाधिदेव महादेव को दिया था, उसने किसी मठ या मंदिर को नहीं दिया। अब रोज प्रतिदिन मेरे देवाधिदेव महादेव बालक का रूप लेकर आते हैं और उस व्यक्ति की सेवा कर कर जाते हैं। एक दिन जब देवाधिदेव महादेव सेवा कर कर जा रहे थे,
तो इसने आवाज लगाकर कहा कि मुझे मंदिर के अंदर ले चल, बहुत दिन हो गए मैंने शंकर का दर्शन नहीं किया। तब वो बालक हाथ पकड़कर उस व्यक्ति से कहता है, उस साधारण मनुष्य से कहते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको दर्शन नहीं दिखा देता। तो जहां निर्मलता है, जहां सस्ता है, वहां शिव है, उसको बस रिझाने वाला चाहिए। मतलब शिव ऐसे देवता है जो बहुत आसानी से अपने भक्तों से रीझ भी सकते हैं। बिल्कुल सहजता से शंकर को रिझाने के लिए आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को रिझाने के लिए बहुत सारी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा सोना चांदी हीरा पन्ना अंबर पीतांबर की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर भगवान को रिझाने के लिए 56 भोग की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को रिझाने के लिए बहुत सुंदर फूलों की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को रिझाने के लिए बहुत महंगे फूलों की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर भगवान को रिझाने के लिए तो एक लोटा जल है, मार्ग में कनेर का फूल लगा रहता है, जिस फूल को गाय भी नहीं खाती, जिस फूल को पशु पक्षी नहीं खाता, जहरीला फूल है, वो भी शंकर को चढ़ा सकते हो, आंकड़े का पुष्प है, वो भी शिव जी को चढ़ा सकते हो। तो ये शंकर को रिझाने के लिए बहुत आडंबर नहीं, शंकर को रिझाने के लिए तुम्हारा दिल जितना निर्मल है उतने दिल से तुम शिव। एक सवाल और है, क्या शिव पूजा से धन प्राप्ति होती है? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या लोगों के साथ जीविका उपार्जन के लिए धन की जरूरत पड़ती है। शंकर कुबेरेश्वर महादेव कहलाते हैं, कुबेर भंडारी कहलाते हैं। कुबेर भंडारी का मतलब है कि जो नारायण को भी लक्ष्मी दी है, लक्ष्मी नारायण की नहीं थी, माता लक्ष्मी की जो माँ थी ख्याति देवी, वो ख्याति देवी लक्ष्मी जी की जो माँ थी वो शंकर की आराधना में लीन रहती थी। एक दिन उन्होंने शिव जी से कहा, मेरी बेटी है लक्ष्मी, आप मेरा निवेदन है, इसको आप स्वीकार करें। शिव जी कहते हैं मैं लक्ष्मी को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि शंकर जी नारायण के मन की बात को जानते थे। नारायण ने तुरंत उसी समय पर, जैसे ही ख्याति देवी ने कहा कि आप मेरी बेटी लक्ष्मी से विवाह करो, तब भगवान शंकर ने नारायण से कहा कि ख्याति मेरे पास में आई थी और उसकी बेटी लक्ष्मी को देना चाहती है। शंकर नारायण जी कहते हैं मैं लक्ष्मी को स्नेह करता हूँ, आप लक्ष्मी से पूछो। लक्ष्मी जी भगवान नारायण को तब कर पाने के लिए शंकर जी की आराधना करती है। शंकर जी की आराधना करते 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 माता लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बैठ गए, शिव जी प्रकट हो गए। क्या चाहती है लक्ष्मी? लक्ष्मी कहती है मुझे नारायण चाहिए। ठीक है, आपको नारायण मिलेंगे। ख्याति देवी को स्वयं भगवान शंकर ने कहा कि आपकी बेटी का विवाह नारायण से करिए, स्वयं कन्यादान के लिए हाजिर में रहूंगा। लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ किया गया। भगवान नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी आ गई तो लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर पूछा, मैं कहाँ आपकी सेवा कर सकती हूँ? आपने मुझे नारायण दे दिया, मैं क्या करूँ? भगवान शिव जी कहते हैं सुबह शाम जो शिवालय है उसकी देहली के पास में आप बैठे रहिए, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप बैठे रहिए, जब मौका मिल जाए कोई भक्त शंकर का यहाँ आए, मैं तो किसी को कुछ नहीं दूंगा पर मैंने आपको नारायण दिया है, तो लक्ष्मी आप उसके घर में नारायण के साथ स्वयं प्रवेश करोगी। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। प्रत्येक लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार का दिन होता है, महापुराण कहती है लक्ष्मी जी का दिन सोमवार का होता है। सोमवार के दिन जो मनुष्य शंकर जी के मंदिर में प्रवेश करता है उसके पीछे पीछे लक्ष्मी उसके घर तक जाती है, उसके द्वार तक पहुंचती है। प्रदोष के दिन जो शिवालय में जाता है उसके पीछे पीछे लक्ष्मी उसके दरवाजे तक पहुंचती है। शिवरात्रि के दिन लोग कहते हैं शंकर जी का दिन लक्ष्मी का दिन, लक्ष्मी उसके दरवाजे तक प्रवेश करती है। तो शंकर भगवान जब चोर को कुबेर बना सकते हैं, लक्ष्मी को नारायण को दे सकते हैं और लक्ष्मी नारायण बना सकते हैं, तो संसारिक मनुष्य तो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा वो भी लक्ष्मीपति बन जाएगा, उसके पास भी लक्ष्मी आ जाएगी, उसको भी कोई कमी नहीं रहेगी, वो भी कुबेर अधिपति का आनंद प्राप्त करेगी। कैसे आप लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं शिव की आराधना करके? तमाम सारे बच्चे हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, कई बार नंबर कम आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं, नंबरों का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन क्या शिव पूजा से बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान एकाग्रित कर सकते हैं? हमने हमेशा बच्चों से कहा, केवल बच्चे लोग क्या विचार करते हैं कि जब एग्जाम का समय आया तब किताब उठाए, जब विषम परिस्थिति में गिर गए तब शंकर को याद किया। शिवमहापुराण की कथा कहती है घर के माता पिता कहते हैं कि आप पूरे साल पढ़ाई करी है तो आपको एग्जाम के समय पर ज्यादा डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप अच्छी पद प्राप्त कर लेंगे। उसी तरह जैसे आपका एजुकेशन जरूरी है, उसी तरह शंकर के मंदिर में आप प्रतिदिन जाइए, आपको जरूरी नहीं कि एक घंटा बैठना, जरूरी नहीं कि आधा घंटा बैठना, आप दो क्षण के लिए जाओ, बाबा को प्रणाम करो, जल का आचमन करो, शिव जी के मंदिर में बेलपत्र को चढ़ाइए और आइए, शंकर की भक्ति करिए। जितना आपकी विद्या आपके साथ में है, जैसे भगवान शंकर ने लक्ष्मी को भी स्वर प्रदान करा है, तो ये विश्वास कहता है कि आपकी विद्या भी प्रबल मेरा देवतिदेव महादेव जरूर करेगा, पर उसके अनुसार आपकी पढ़ाई भी जरूरी है, आपकी एजुकेशन भी जरूरी है और आपकी मेहनत भी जरूरी है, शिव सब देगा। कोई विशेष पूजा का प्रावधान है
युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए? शिव महापुराण में है सब कुछ लिखा हुआ है। शिव महापुराण में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लिखा हुआ है, संतान प्राप्ति के लिए लिखा हुआ है, शिव महापुराण में वंश वृद्धि के लिए लिखा हुआ है, शिव महापुराण में अच्छी विद्या के लिए लिखा हुआ है। जैसे एक वर्णन मिलता है शिव महापुराण के अंतर, कमलगट्टे की माला, जो कमलगट्टा होता है इस कमलगट्टे की माला बनती है, उस 108 मनके की माला को शंकर भगवान को समर्पित कराया जाता है। लोग उसको भाव में लेते हैं कि शिव जी को हम कमल का फूल 108 समर्पित करें, वो 108 कमल का फूल नहीं है, वो 108 कमलगट्टे की माला है जो शंकर को समर्पित करी जाती है। अगर 5 शिवरात्रि एक ही माला को, जो एक माला है उसी को 5 शिवरात्रि तक शंकर भगवान पर चढ़ाया जाता है, उसी को उठाकर लाया जाता है, तो उसको लाने के बाद में बच्चा यदि अपने कक्ष में बैठकर एक बार नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, उसके बाद विद्या अध्ययन करने बैठे, वो बच्चा उज्जवल भविष्य पाएगा ही, और अच्छी मेहनत करे तो बहुत आगे बढ़ेगा। तमाम जो युवा हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पाता, नौकरियां नहीं मिल पाती, सबके अपने अपने टारगेट हैं, तो क्या उसमें कहीं सहायक होते हैं भगवान शिव? क्यों नहीं होते। शंकर भगवान की अगर आराधना आप कर रहे हैं, लोग कहते हैं जैसे एक सहज विषय में कह देते हैं, जब कावड़ यात्रा चलती है तो लोग बहुत सारे पढ़े लिखे लोग कहते हैं कावड़ ले आने से क्या तुम्हारा भविष्य बन जाएगा, कावड़ लेने से तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। मैं भी परसों के दिन की बात कर रहा हूँ, पंजाब से भटिंडा के पास से लुधियाना से एक लड़का एक बालक आया था उसकी बहन के साथ में इसी स्थान पर बाबा के धाम पर। जब वो आया था तो उसका कहना था कि मैंने अपनी जिंदगी में विद्या तो बहुत अध्ययन करी, खूब पढ़ाई करी, मेरी डिग्रियां मेरे पास में हैं, पर मैंने बहुत मेहनत करी, पर मेहनत करने के बाद भी मेरा रिजल्ट तो आया पर मेरी जॉब नहीं लगी, आखिरी में हम हार गए और अंत में हम पढ़े लिखे व्यक्ति पहली बार आके इस धाम पर आए, बाबा शंकर के मंदिर आए, और हम दोनों बहन भाई यहाँ पर आकर हम बाबा से प्रार्थना कर गए हैं और बाबा ने हमारी सुनी। मेरी बहन की जॉब एक कोई अंग्रेजी कंपनी में लग गई और मेरी जॉब बैंक ऑफ इंडिया में लग गई, हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने आए। अर्थात आपकी मेहनत के साथ में आपकी श्रद्धा और विश्वास भी पूर्ण होना चाहिए। जब आपका विश्वास पूर्ण होता है ना तो शिव करुणा जरूर करते हैं। आप अच्छी मेहनत करो, मेहनत के साथ में शंकर की आराधना करो, शिव आपको सब कुछ देगा। शिव का एक स्वरूप है महाकाल, महाकालेश्वर। हमारे यहाँ तो ये कहा भी जाता है कि भक्त काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाल का। सही है, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि शंकर भगवान महाकालेश्वर दुनिया में केवल एक ही मंदिर है, जैसे काशी विश्वनाथ गंगा के तट पर है, ओंकारेश्वर नर्मदा जी के तट पर है, केवल एक कालाधिपति महाकाल ऐसे हैं जो अपनी बहन छिपरिया के साथ में विराजमान। महाकालेश्वर भगवान का जो मंदिर है उसका विस्तार हुआ है, विस्तार होते होते छिपरा थोड़ी दूर होती चली गई, पर पहले जो छिपरा जी थी वो महाकाल मंदिर के ठीक दीवार के पीछे से बहकर निकलती थी छिपरिया, जो शिव जी की प्रिय बहन है। क्योंकि दूषण नाम के राक्षस का संहार करना था, तब भगवान देवाद्रि महादेव से कहा गया कि ये दूषण नाम का जो राक्षस है इसका संहार करना है, जो ब्राह्मण के बच्चों के रक्त को पीता उसका नियम था। शिव जी ने कहा इसको मारना कठिन है, क्योंकि चक्कर यह है कि ये रूप ले सकता पर मैं नहीं ले सकता। भगवान नारायण रूप ले सकते हैं, शंकर भगवान रूप नहीं ले सकते, भगवान शंकर अपने रूप नहीं बदल सकते। नारायण राम बन सकते हैं, नारायण कृष्ण बन सकते हैं, नारायण दत्त बन सकते हैं, नारायण अपना स्वरूप धारण करके नरसिंह बन सकते हैं, वामन बन सकते हैं, वराह बन सकते हैं, और कुर्मा अवतार ले सकते हैं, नारायण ले सकते हैं, शिव नहीं लेंगे, क्योंकि शंकर देवदित्य महादेव है, इनको रूप लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बहू अपना चेहरा बदल सकती, सास अपना चेहरा नहीं बदल सकती, ससुर अपना चेहरा नहीं बदल सकता, घर का वृद्ध अपना चेहरा नहीं बदल सकता, बच्चे कितने भी बदल कर जाएं। तो शिव कहते हैं इस दूषण नाम के राक्षस का संहार करना है, परंतु इसको वर है कि ये 84 रूप धारण कर सकता है, मैं 84 रूप धारण नहीं कर सकता। अब माँ स्वयं देवताओं ने कहा कि फिर ये मरेगा कैसे, तो इसका एक ही कारण है, मेरी बहन छिपरिया को बुलाया। छिपरिया को जब बुलाया गया तो छिपरिया से कहा गया कि आप साथ दीजिए शिव जी का, तो छिपरिया ने पूछा बोलो महादेव भैया क्या बात है, कैसे मारना है दूषण को? दूषण को मार तो दूंगा, पर छिपरिया बात ऐसी है कि ये 84 रूप लेगा और मुझे भी 84 रूप लेना है, पर मैं 84 रूप नहीं ले सकता, मेरे 84 टुकड़े तू कर सकती, मेरे टुकड़े कर देगा 84, तू मेरे 84 टुकड़े करेगी, मैं 84 रूप प्रकट करूंगा और उसी समय पर मैं इसको मार दूंगा, इसमें मेरा रूप परिवर्तन नहीं है, बस मेरे 84 टुकड़े हुए तो मतलब मैं 84 रूप में आ सकता हूँ। छिपरिया ने कहा ठीक है,
दिन निश्चित हुआ। दूसरे नाम का राक्षस जैसे ही आया उज्जैनी के अंतर्गत और सुंदर महाकाल वन में जैसे ही आया और मारना चालू कर उसने ब्राह्मणों के बच्चों को, इतनी देर में शंकर भगवान सामने आके खड़े हो गए। पर छिपरिया नहीं, छिपरिया को आने में देरी हो गई, छिपरिया नहीं आई। उसने देखा इतने ब्राह्मणों का रक्त बह गया, जो देखा तो क्रोध में आकर वापिस शिवालय में चली गई। शिवालय में जाकर शंकर के 84 टुकड़े कर दिए छिपरिया। शंकर के 84 टुकड़े करे भगवान शंकर ने उस दूषण नाम के असुर का 84 रूप में, जिसने रूप धारण कर रखा था उसका संहार कर दिया, संहार किया। आज भी मेरे शंकर भगवान 84 रूप में उज्जैनी की भूमि पर विराजमान, जिसकी 84 महादेव के नाम से परिक्रमा होती है, पूजन होती है। तो ये तो मेरा देवदी देव महादेव है, दुष्टों का संहार करने वाला काल है, पापियों को कहीं ना कहीं किसी रूप में मार्ग दिखाने वाला मेरा महाकाल है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जनमानस का कल्याण करने वाला महाकाल है। जो महाकाल को समझ जाता है वो महाकालेश्वर उसकी झोलियां भर जाता है, वो शिव है। कई बार इस तरह की भ्रांतियां भी आती हैं कि जो काल के देवता होते हैं उनकी ज्यादा पूजा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, मेरे शंकर भगवान काल के देवता, अर्थात उन्होंने लोगों के भीतर से भय को मिटाया। भय भी एक काल है। जैसे एक नौकरी करने वाला व्यक्ति जब हार जाता है ना, तब कहता है अब मैं नहीं भरूंगा फॉर्म, अब नहीं करूंगा प्रयास। तब शिव कहते हैं कि अब तू हार गया है ना, तब मैं तेरा साथ दे रहा हूँ, अब तू चिंता मत कर, अब मैं तेरे साथ में हूँ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अर्थात भय को दूर करने वाले महाकाल, शंकर भगवान की जो आराधना करने वाला होता है उसको भय कहीं नहीं रहता, कहीं पर भी भय नहीं रहता, वो तो अड़भंगा होता है। शिव का जो भक्त होता है वड़भंग है, वो कहीं पर भी टूटमान हो जाता है, उसको चिंता करने का जरूरत। आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी को सुन रहे थे और हम उनसे शिव चर्चा कर रहे थे। पंडित जी ने कई सारे शिव संकल्प लिए हैं, वो संकल्प क्या है, शिव की पूजा कैसे करें, शिव क्या क्या हमको दे सकते हैं, हम शिव के कैसे हो सकते हैं, इस सब पे चर्चाओं के दौर आगे भी जारी रहेंगे। नमस्कार। श्री शिवाय। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।